हेलो, ईडी टू हेल्दी किचन में स्वागत है आपका। आज मैं बनाऊंगी बर्गर। तो मैं अभी दो बर्गर बनाऊंगी। तो ये मैंने दो बन पाव ले लिए हैं और चार मीडियम साइज का उबला आलू है जिसे मैंने मैश कर लिया है। ये थोड़े से पनीर है बीच में डालने के लिए और ये सजाने के लिए है। और प्लेटिंग में ये टमाटर और प्याज। तो अब मसाले बता देती हूँ क्या क्या जाएगा इसमें। मसाले में जाएगा ये प्याज है, एक छोटा सा प्याज, अदरक, लहसुन, काली मिर्च, चाट मसाला और लाल मिर्च पाउडर। ये भुना मूंगफली है उसे मैंने कूट लिया है। और ये नमक है। और ये जाएगा कैट का थोड़ा सा शाही मसाला। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने इंडक्शन स्टार्ट कर दिया। मसाले भूनने के लिए मैं ये सरसों का तेल इसमें डालूँगी, एक टेबल स्पून से भी कम है। एक चीज़ बताना मैं भूल गई, ये साबूदाना है। आप चाहे तो बड़े वाला भी ले सकते हैं मगर मैं छोटे वाले ली हूँ क्योंकि मेरे पास अभी यही है। तो इसे मैंने पहले से भी भिगो रखा है क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेता है सूख होने में। ये गर्म हो गया है, देख लेती हूँ मैं डाल के गर्म हुआ कि नहीं। अभी नहीं हुआ, हो गया। अब मैं इसमें डालूंगी ये कटी हुई लहसुन, अदरक और ये प्याज। इसे लाल नहीं करना है, बस हल्का भूनना है। थोड़ा सा ये पक जाए, का फ्लेवर निकल के आ जाए, उसके बाद इसे मैं आलू में मिला दूंगी। देखिए ये तकरीबन हो चुका है। बस इसी वक्त मुझे ये सारे मसाले भी डाल देने हैं। काली मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, जितना भी आलू में। और ये चाट मसाला, ये लाल मिर्च पाउडर और ये कुटी हुई मूंगफली। ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसे बंद कर दूंगी। अब इसमें ये आलू गया, ये साबूदाना, ये ब्रेड जिसे मैंने थोड़ा सा पानी से भी हो लिया है। और ये जाएगा 2 चम्मच कॉर्न स्टार्च। अब मैं इसे हाथ से मिलाऊंगी। ये देखिए मैंने ये आलू को मैश करके इकट्ठा कर लिया। अब इसमें मैं ये मसाला डालूंगी, किचन मसाला। अब फिर से मैं इसे मिलाऊंगी। ये अच्छे से अब मिक्स हो गया है। अब मैं इसकी टिक्की बनाऊंगी। अब मैं टिक्की बनाऊंगी। टिक्की बनाने के लिए ये रिफाइंड ऑयल लिया मैंने।
इसके अंदर मैं थोड़ा सा नमकीन डालूंगी, क्योंकि बेसन का स्वाद जो है ना टिक्की के अंदर बहुत अच्छा आता है, तो मैं इसके अंदर डालूंगी ताकि जब खाए तो खाते समय थोड़ा सा क्रंचीनेस भी आए और स्वाद भी आए। तो ये हमारा टिक्की, मैं इसी तरह से चार टिक्की बनाऊंगी। गरम हो गया हमारा पैन, एक तरफ से हमारा करीब करीब सिक चुका है, मैं इसे पलट लूंगी। ये टिक्की दोनों तरफ से खूब अच्छा से सिक चुका है, और उसमें जो मैंने साबुदाना डाला है ना, वो थोड़ा सा दांत के नीचे जो आएगा तो बहुत अच्छा स्वाद आता है उससे। ये देखिए टिक्की बन चुकी हमारी, बहुत अच्छी बनी है टिक्की। अब मैं इसे निकाल लूँगी, पेपर नैपकिन पे निकाल लूँगी, जिसका जितना भी ये इसमें एक्स्ट्रा ऑयल है वो इसमें सोक कर जाए। मेरे सारे टिक्की बन चुके हैं, अब मैं पैन को गर्म करूँगी। उसके लिए मैंने थोड़ा सा शुद्ध घी लिया है, आप चाहें तो बटर के साथ भी इसे गर्म कर सकते हैं। अब मैं पैन को बीच से कट कर करके इसको मैं गर्म करूँगी। ये हमारा बन भी रेडी हो गया, सॉफ्ट हो गया बिल्कुल। अब बारी है प्लेटिंग की, तो इंडक्शन बंद करती हूँ, अब प्लेटिंग शुरू। अब मैं इसकी प्लेटिंग करूँगी, इसके लिए मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो ये है, और ये है हरे धने की चटनी, जिसे मैंने पीस लिया था सिंपल तरीके से, वैसे ही लहसुन हरी मिर्च और नींबू के साथ इसे पीसना है। और ये है टोमेटो सॉस, तो ये दोनों इसमें जाएगा। थोड़ा सा जगह यहाँ पे कम है, इसलिए थोड़ा सा मैनेज करने में मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। इसके एक साइड पे हरे धनिया की चटनी लगाऊंगी, और दूसरी साइड पे टोमेटो प्यूरी फैला लूंगी इसे अच्छे से।
ठीक है। अब जिस साइड मैंने टोमेटो प्यूरी डाला था उस साइड में ये पनीर, ग्रेटेड पनीर डाल दूंगी। अब इस पे रखूंगी मैं टिक्की। अब चाहेगा चाट मसाला। अब इसके ऊपर टोमेटो, और ये रहा अनियन, इसे पलट दूंगी। तो ये है हमारा बर्गर रेडी खाने के लिए। तो चले टेस्ट के लिए, बाय बाय।